नमस्कार। COVID-19 ना मुकाबिला करिबा पाई कोरापुट सरकारी महाविद्यालय इतिहास विभागीय मुख्य प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास सर लेट्स नो हिस्ट्री माध्यम रे ओडिसा छात्र छात्री मानक पाई झरी आसीथिबा CBCS पाठ्य खसड़ा संबलित प्रश्न उत्तर कार्यक्रम उपस्थापन रे मो मिस शुभश्री आपण मानक स्वागत जनाउछि। राज्य क्षमता प्राप्त करिबा पाई प्रारंभिक मध्ययुगरे जो राजनैतिक समीकरण प्रक्रिया आरंभ होइतिला एही समीकरण रे ब्राह्मण माने किभली राजपदवी वैधिकरण पाई एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करी बहु नूतन राजवंशर सृष्टि करिथिले एवं भारतीय संस्कृति रे एक नूतन युगर सूत्रपात करिथिले से संपर्क रे आजिर प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक, प्रारंभिक मध्ययुगरे दक्षिण भारतर मंदिर गुड़िकर परिचालना भार केउ मानक हस्तर न्यस्त थिला? उत्तर, सभा एवं नगरम हस्तरे। प्रश्न दुई, प्रारंभिक मध्ययुगरे दक्षिण भारतरे ब्रह्मदेय अपेक्षा मंदिर गुड़िक केउ कार्यरे अधिक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुथिले? उत्तर, आहरित संपत्तिर पुनर्बंटनरे। प्रश्न तीन, एकादश शताब्दी रे दक्षिण भारत रे चोल माने केउ कारण जोगु अतिरिक्त केंद्रीय क्षमता उपभोग करुथिले? उत्तर, मंदिर गुड़िकर गुरुत्वपूर्ण वृद्धि पाइथिबा जोगु। प्रश्न चार, केउ कारण जोगु मंदिर गुड़िक आंचलिक प्रशासन क्षेत्र रे दक्षिण भारत रे हस्तक्षेप करिथिले? उत्तर, मंदिर गुड़िकर आर्थिक स्वच्छलता एवं नाडुगुड़िक ठारु अधिक संबलर अधिकारी होइपारिथिबा कारणरु। प्रश्न पाँच, मंदिर गुड़िकर आर्थिक स्थिति को आकलन करिबा पई चोल वंशर शासन समय रे केउ मानंकर साहाज्य निया जाउथिला? उत्तर, राज अधिकारी मानंकर। प्रश्न छ, चोल वंशर शासन समय रे मंदिरर संपत्ति को आवश्यक स्थले केउ कार्यरे विनियोग करा जाउथिला? उत्तर, लोकहितकर बा जनमंगल कार्यरे। प्रश्न सात, प्रारंभिक मध्ययुगरे पश्चिम भारतरे साम्राज्यवादी राजनैतिक गठन शैली किभली थिला? उत्तर, कुल बा वंशावली तंत्र उपरे आधारित थिला। प्रश्न आठ, प्रारंभिक मध्ययुगरे राजपूत मानंकर अभ्युदय किभली होइथिला बोली ऐतिहासिक ब्रजजुलाई चट्टोपाध्याय मतव्यक्त करती? उत्तर, प्रतिष्ठित राजनैतिक स्थिरीकरण रु राजपूत मानंकर अभ्युदय होइथिला। प्रश्न न, प्रतिष्ठित राजनैतिक स्थिरीकरण रु राजपूत मानंकर अभ्युदय होइथिबा कथा केउ केउ उदाहरण रु प्रमाणित हुए? उत्तर, राजस्थान रो चहमान वंश एवं दक्षिण राजस्थान गुजरात ओ मालुआर परम मानक राजवंशावली इत्यादि उदाहरण रु। प्रश्न दस, प्रारंभिक मध्ययुगरे वंशावली क्षमतार प्रसार होइथिबा कथा किभली जणा जाए? उत्तर, नूतन भावरे अभ्युदय होइथिबा राजवंश गुड़िक नूतन बस्तुति स्थापन करिथिबा कारणरु। प्रश्न एगार, प्रारंभिक मध्ययुगरे राजवंश गुड़िक क्षमतार विस्तार पई केउ शक्ति उपरे निर्भर करुथिले? उत्तर, सामरिक शक्ति उपरे। प्रश्न बार, प्रारंभिक मध्ययुगरे राजवंशावली प्रस्तुत करिबारे केउ मानकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण बोली ब्रजजुलाई चट्टोपाध्याय मतव्यक्त करती? उत्तर, ब्राह्मण मानकर भूमिका। प्रश्न तेर, प्रारंभिक मध्ययुगरे अधिकांश राजवंश गुड़िक केउथिरु उद्भव होइथिला? उत्तर, ब्रह्मक्षेत्र। प्रश्न चौद, प्रारंभिक मध्ययुगरे प्रचलित थिबा ब्रह्मक्षेत्र कहिले कौन बुझ? उत्तर, एहार अर्थ ब्राह्मण ओ क्षत्रिय। प्रश्न पंदर, मध्यवर्ती स्तर कहिले कौन बुझ? उत्तर, ब्राह्मण व्यक्ति क्षत्रिय व्यक्ति रे परिणत हेबा व्यवस्था। प्रश्न षोहल, प्रारंभिक मध्ययुगरे ब्राह्मण रु क्षत्रिय रे परिणत हेबा पई केउ पद्धति अवलंबन करा जाउथिला?
ଉତ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ସତର, ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ରାଜବଂଶର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଉତ୍ତର, ଚହମାନ ରାଜବଂଶ ଏବଂ ଗୁହିଲା ରାଜବଂଶ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଠର, ଚହମାନ ଓ ଗୁହିଲା ରାଜବଂଶର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧ? ଉତ୍ତର, ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଥିଲେ ଏବଂ ବୈଦିକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଣେଇଶ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ନୂତନ ରାଜବଂଶର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏକ ସୁପରିଚିତ ଆପେକ୍ଷିକ ମୁକ୍ତ ସ୍ତର ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ କୋଡ଼ିଏ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ନୂତନ ରାଜବଂଶଗୁଡ଼ିକ ବିଶୁଦ୍ଧ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳ ସମ୍ଭୂତ ଦାବିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରକୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ମନଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରି ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।